मध्य प्रदेश में कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसको लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उपचार योजना की जानकारी दी। इसी के साथ राहत भरी खबर ये भी है कि इंदौर की स्थिति अभी स्थिर है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत आयुष्मान कार्ड संबल योजना सहित गरीबी रेखा धारक पात्रा पर्ची धारक को शहर के हॉस्पिटलों में आसानी से उपचार उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए योजना तैयार की गई है। राउंड में अलग अलग जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो यहां पर कोविड का उपचार कर रहे हैं, उसमें गरीबों के उपचार के लिए या आयुष्मान कार्ड धारक या संबल से जुड़े हुए लोग या पात्रता पर्ची खाद्य की पात्रता पर्ची वाले लोग, इनके उपचार के लिए जो व्यवस्था राज्य शासन द्वारा बनाई गई है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत, उसके बारे में सबको ब्रीफ किया गया। जिनके ऑलरेडी आयुष्मान में जो रजिस्टर्ड हैं उनको बताया गया कि तत्काल आज से ही आप 20% बेड्स रिजर्व करके और उसमें आप आयुष्मान कार्ड धारक का या आयुष्मान किसी परिवार के सदस्य के पास, अगर किसी के पास भी एक के पास आयुष्मान कार्ड धारक है तो आप पोर्टल में जाकर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को तत्काल बनाइए। आधे घंटे में गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है कि आधे घंटे में हॉस्पिटल्स का पोर्टल को एक्सेस रहता है, आधे घंटे में उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा उसमें। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शुरुआती दौर में 25 से 24 अप्रैल के बीच काफी स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हॉस्पिटलों में बाहर से आने वाले मरीजों के चलते हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी भी की जा रही है। शहर में भले ही आंकड़ा कम नहीं हो रहा हो, लेकिन कोरोना मरीजों की गंभीर स्थिति सामने नहीं आ रही है। शहर के में जो पीक आया था, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था हम लोगों को, चाहे वो ऑक्सीजन डिमांड का, चाहे डेथ का, चाहे पॉजिटिविटी का, सबसे ज़्यादा था 20 से 25 अप्रैल के बीच में। तो वो पीरियड था खासतौर पर 21, 22, 23, तीन दिन ऐसे थे अप्रैल के जो पीक थे अगर इंदौर सिटी की बात करें। उसके बाद से ग्रेजुअली रिडक्शन होना शुरू हुआ है, अभी भी ईश्वर के मेहरबानी से पूरा एक रिड्यूस्ड वे में ही ग्राफ जा रहा है पूरा। और ये सब लोग फील भी कर रहे हैं कि जो पहले अगर किसी के पास जितने ही फ़ोन आते थे उसके फ़ोन आने की प्रतिशत लगभग 70-80% कम हो गई है। पर ये जरूर है कि इंदौर के हॉस्पिटल से प्रेशर अभी बना हुआ है। बाहर के जो आसपास के जिलों के मरीज आते हैं यहाँ पर, उनका निरंतर आना बना हुआ है उनका, और जो पहले मरीज नहीं आ पा रहे थे इंदौर के पेशेंट्स की वजह से जो जगह खाली हो रही हैं उसमें सब बाहर के मरीज आ रहे हैं। तो अस्पतालों का मैनेजमेंट और अस्पतालों में प्रेशर और अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई, वो उसी प्रकार का चैलेंज हम लोगों ने बना है। पर ये बिल्कुल सही है कहना आपका कि इंदौर में कोविड के जो पेशेंट्स निकल रहे हैं वो बहुत कम संख्या में ऐसे निकल रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो। यह बात अलग है कि आंकड़ा आ रहा है पेशेंट्स का, किंतु उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है, ऐसे कम है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन लायक हों। और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा भी प्रिकॉशन ले लेते हैं जब शुरू में, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता है उनका। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद शहर के लोगों को कोरोना से कब तक छुटकारा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज, इंदौर। मधुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।